So now it's done, already live on YouTube. So my dear friends, मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबसे मिल करके एक बार फिर से. ऑलरेडी हम लोग अच्छा वर्क कर रहे हैं ओजोन के ऊपर. पिछले 11 महीनों में हम लोगों ने वो कीर्तिमान खड़े कर दिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां आज की डेट में नहीं कर पा रही हैं. आप जितने भी कॉर्पोरेट से स्टार्टअप की बात अगर करी जाए पूरी वर्ल्ड वाइड सबके सब कहीं ना कहीं नुकसान में है, लॉस में है. और वहाँ रोजगार खत्म हो रहे हैं, लोगों की नौकरियां जा रही है. बट एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस अगर हम लोग बात करें इस इंडस्ट्री की, क्रिप्टो की, तो ये बूमिंग है, बढ़ती चली जा रही है. और अगर हम लोग ओजोन की बात करें तो बेयरिश मार्केट में भी अपना हमेशा से इसने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है. यानी हम स्टार्ट हुए थे $90 से और आज भी हमारी कॉइन माइनेबल होने के बावजूद भी $90 के अराउंड ट्रेड कर रही है, राइट. और बीच में कई सारे अपडेशन हुए हैं, इसके बावजूद भी हमारा परफॉर्मेंस प्राइस को लेकर के बहुत बढ़िया रहा है. बाकी माइनिंग टेक्नोलॉजी के लिए तो हम लोग ऑलरेडी रिनाउंड है ही, ऑलरेडी हम लोग बेस्ट है ही. दुनिया में आज तक कोई ऐसे सिस्टम नहीं आए जो ओजोन के जैसा पहले से कभी बन चुकी हो. यानी हमारी एक नई टेक्नोलॉजी, नई पद्धति, नए तरीके की माइनिंग प्लेटफॉर्म आए जो अब तक नहीं था, जो नीड थी लोगों की वो ओजोन ने हमें दिया. हमें सेफ्टी दिया, सिक्योरिटी दिया, हमें खुद का कॉन्ट्रैक्ट बनाने का तरीका समझाया, खुद हमें एक तरह से डेवलपर बना दिया कि हम खुद ब्लॉकचेन पर जाते हैं, खुद से अपना कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं, खुद से उसको इनिशिएट करते हैं. पहले हम लोग डिप्लॉय करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो जाता है फिर हम उसको इनिशिएट करते हैं और ब्लॉकचेन के जो नोड्स हैं उनके साथ हम उसको मैप कर देते हैं. मैपिंग होने के बाद 24 आवर्स लगते हैं मैपिंग होने में, जब 24 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं फिर हमारी माइनिंग शुरू होती है अगले 12 घंटे, अगले 24 घंटे के अंदर में हमें मिल जाती है. हमारी जो माइनिंग प्रोसेस होती है वो दो टाइम में, तीन टाइम में होती है, 8-8 आवर्स पे, यानी 8 घंटे पे एक बार होती है. यून समझ ले कि जिनकी ज्वाइनिंग अभी हो जाती है 9:11 पे, तो कल 9:11 तक हमारी मैपिंग हो जाती है. फिर आगे का जो 8 घंटे होते हैं उसमें हमारी माइनिंग परफॉर्म होने शुरू हो जाती है और इस तरह से आपको मिल जाती है. तो अभी जो हमारे सिस्टम पे जो बड़े अपडेशंस होने वाले थे वो कंप्लीट हो चुकी है. अभी तक का किसी भी तरह का कोई भी शिकायत अब नहीं आ रही है कि हम उसमें कुछ चीज़ें हमें लगे कि हाँ कुछ चीज़ें चूक गई है, कुछ मिस्टेक हो गई है. ऐसा अभी तक किसी भी सिस्टम के तरफ से किसी भी एसोसिएट के तरफ से कोई कंप्लेन नहीं है. अगर किसी के साथ अगर कुछ इश्यूज आती है डेफिनेटली यू विल लेट मी नो कि हम उसको कंपनी तक पहुंचा दें कि हाँ किसी के साथ अगर कोई माइनिंग्स के चूँकि अपडेशन हुई है हो सकती है कि कोई चीज़ें भूल चूक, कोई मिस्टेक, कोई कोडिंग, कोई चीज अगर ऐसा अगर आता है डेफिनेटली आप हमें बताएंगे ताकि हम आगे कंपनी को इसके बारे में अवेयर कर दें तो उसको भी सुधार लें. बट अभी तक का ऐसा कुछ भी नहीं है. बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, बहुत खुशी की बात है. इस टाइम में ये जो हमारा एक महीना, ये जो हमारा अगस्त का महीना रहा है माय डियर फ्रेंड्स, गजब का महीना रहा है. इस महीने में हम लोगों ने पहले तो 15 अगस्त का जश्न मनाया, फिर चंद्रयान को लैंड कराए, चांद पे जा पहुंचे, राइट. तो ये हमारी इतनी बड़ी कामयाबी, और उसी बीच ओजोन ने भी अपने आप को अपडेट कर लिया, लोगों को फिनेंशियली एम्पावर कर रही है. आज हमारे इस सिस्टम में लगभग अराउंड 25,000 के लगभग लोग हैं और ये सब के सब इतने हैप्पी हैं इस सिस्टम को लेकर के, इतने खुश हैं. कोई एक बंदा आप नहीं बता सकते हैं जो इस सिस्टम से जुड़ा हो और कह रहा हो कि मुझे, मैं ना खुश हूँ, मुझे मुझे मेरे चेहरे पर मुस्कान नहीं है.
महीने पहले जो लोग जुड़े और जो आज जुड़ रहे हैं, सब एक बराबर से इस सिस्टम को एंजॉय कर रहे हैं। सिस्टम की वजह से जो इनकम आ रही है उस इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। कोई देश घूम रहा है, कोई विदेश घूम रहा है, कोई कोई गाड़ियां निकाल रहे हैं। हर रोज हमारी टीम में कहीं ना कहीं जश्न मनाए जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ओजोन। ये ओजोन की बदौलत ये सारी चीजें हो पाई है, वरना आज के डेट में बड़ी बड़ी कंपनियों को नौकरी देना कितना कठिन हो गया है, कितना मुश्किल हो गया है, आप सोच सकते हैं। आज अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं, करोड़ रुपए लगा करके आप कोई स्टार्टअप शुरू कर ले, आप ये देखेंगे कि महीने के लास्ट में आपकी वो हालत हो जाती है कि आप ही को पता होगा, जो लोग अभी नए नए स्टार्टअप कर रहे होंगे, बिजनेस स्टार्ट कर रहे होंगे, पहले तो आपको पूरी जो खर्च करी आपने बहुत ज्यादा अपने सिस्टम को, अपने कोई स्टार्टअप को बिल्डअप करने के लिए, उसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट किए, लोगों को हायर किए, उनको उस इम्प्लॉय को पेमेंट देना होता है हर महीने के लास्ट में, आपको रेंट देनी होती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देनी होती है, और भी मिसलेनियस खर्चे होते हैं, आपके खुद की फैमिली के खर्चे होते हैं, और उस बिजनेस पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। आज के डेट में हर बिजनेस कहीं ना कहीं लॉस में चल रही है, आप डेटा उठा करके देख लें, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, उस इस बुरे हालात में भी आज हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जहां हमसे ये नहीं कहा जाता कि तुम करोड़ रुपए से ही शुरू कर सकते हो, आपको ये कहा जाता है कि आप शुरुआत करने के लिए बस सोचो, आप मेहनत करने के लिए सोचो, आप एक कदम बढ़ाओ और ओजोन आपके हाथों में वो चीज दे देगी जिससे कि आप आज से और अभी से इनकम करना, जनरेट करना शुरू कर देंगे। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग की इतिहास उठा करके आप देख लेंगे, उस इतिहास में ओजोन का जो स्वर्ण पे लिखी हुई जो तहरीर होगी ना, वो पूरी, यानी यूं कह ले कि प्रलय आने तक लिखी हुई रहेगी, क्योंकि जो सिस्टम दिया है ना, ये कभी बंद होने वाली नहीं है। आज इस सिस्टम में जो लोग महीने 2 महीने काम किए हैं, आज वो लोग पर डे की लाखों रुपए इनकम कर रहे हैं, महीने 2 महीने काम कर रहे। आप नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास को उठा करके देखे थोड़ा, लोग दो दो साल, तीन तीन साल, पांच पांच साल पहले टीम बनाते हैं, उन्हें 5 साल का एक टेन्योर दिया जाता है। हमें बताया जाता है कि जिस तरह से आप मेडिकल की पढ़ाई करते हैं 5 साल, तो एमएलएम में भी आपको 5 साल देने पड़ेंगे, और उस 5 साल में न जाने कितने लोग छोड़कर चले जाते हैं। कोई 5 महीने में छोड़ देता है, कोई 5 हफ्ते में छोड़ देता है, कोई साल में छोड़ देता है, कोई 2 साल में छोड़ देता है, कोई 3 साल में छोड़ देता है। बहुत कम लोग होते हैं जो 5 साल रहते हैं और वो भी आगे आकर के वो भी छोड़ के निकल जाते हैं। बहुत कम परसेंटेज आपको मिलती है यानी सक्सेस रेट की। लेकिन अगर ओजोन की बात करें तो दुनिया के पहले ऐसे सिस्टम मैंने देखा जहां पे 100% लोग सक्सेस है। आज जो ज्वाइन करता है वो ये नहीं सोचता है कि मुझे 4 लोगों की ज्वाइनिंग करनी होगी तब मुझे पैसे आएंगे, महीने दिन मुझे दौड़ने होंगे तब मुझे मिलेगी, नहीं। आज के डेट में ये हालात है कि ऐसे लोग बिजनेस करते हैं, ये एमएलएम नहीं, ये एक बिजनेस है। यहाँ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और आज से उनके इन्वेस्टमेंट की रिटर्निंग शुरू हो जाती है, और इतनी होती है जितना रिटर्न आप किसी फिजिकल बिजनेस में करते हैं उससे कहीं ज्यादा। आज आप अगर किसी फिजिकल बिजनेस, एक छोटी सी जो सबके मुंह पे होती, कुछ भी नहीं होगा तो आपने एक गुमती कर लोगे, पान की लगा दोगे, रेडी लगा दो, राइट। आज पान की गुमती, एक गुमती बनाने में भी ना आपको 2 से 4 लाख रुपए लग जाते हैं। अब इसके अलावा उसमें और खर्चे, सुबह से शाम टाइमिंग देना, यानी सबसे छोटी इन्वेस्टमेंट की बात करी जाए फ्रेंड्स, फिर भी आपको 4-5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी, और महीने की इनकम क्या होगी, 15 से 20 हजार रुपए। पूरा दिन 12 घंटे ड्यूटी करना, जिस दिन नहीं जाएंगे उस दिन कुछ आपके हाथों नहीं मिलेगा, 4 दिन नहीं जाएंगे दुकान उस दिन से खत्म, बंद होना शुरू हो जाएगा, ग्राहक चले जाएंगे, राइट। तो इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट कम से कम में जो किसी को समझ में नहीं आती है, तो वो इस तरह की छोटी शॉप कोई खोल लिया,
राइट, लेकिन आज इस सिस्टम में आप अगर सिर्फ 1 लाख रुपए लगा देते हैं, ओनली 1 लाख, तो आज से आपकी मंथली इनकम 20,000 अराउंड हो जाती है। आप आज से 20,000 की इनकम लेना शुरू कर देते हैं। ये पावर है। आपने वहां 5 लाख लगाया, पूरा टाइम लगाया, हर चीज दिया और खत्म। अच्छा, ये भी नहीं कि आप अगर कोई बिजनेस शुरू करते हैं उसमें रिस्क नहीं है। आप एनालिसिस करें, आप देखते होंगे कि दुकानें खुलती हैं, साल 2 साल चलती हैं, खत्म हो जाती है। कई सारे मेरे शॉप्स हैं जो लोगों को रेंट पे दिया हुआ, उसमें लोग मही 1 साल करने के बाद, 2 साल करने के बाद भी छोड़कर चले जाते हैं। 6 महीने में दुकान खाली हो जाती है। कोई बंदा आया, उसने बहुत पैसे लगाए, 50 लाख 1 करोड़ भी खर्च कर दिया, और वो 6 महीने साल भर में खत्म होकर निकल गई। तो रिस्क उसमें भी है, हर जगह रिस्क है बिजनेस में। वहां टाइम का भी रिस्क गया और बिजनेस का भी रिस्क, दोनों रिस्क गया। लेकिन यहाँ एक ऐसे सिस्टम आपको मैं बताने जा रहा हूं जहां रिस्क है ही नहीं, और इसके लिए आपको 2400 घंटे काम करने की जरूरत नहीं। 100% सेफ एंड सिक्योर सिस्टम, जहां चीजें आपके कंट्रोल में, पब्लिक के कंट्रोल में, जो आज पूरी दुनिया जैसे काम कर रही क्रिप्टो करेंसी। अगर आपके पास नॉलेज है कि चुनाव करने की आपको तरीके मालूम है कि मुझे कौन से कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो दुनिया में इससे बड़ी बिजनेस और इससे सिक्योर बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ये जुआ है। तो रिस्क है किसके लिए? जिनको नॉलेज नहीं है उनके लिए नहीं, जिनके पास नॉलेज है। शेयर मार्केट, आज दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, सब लोग शेयर मार्केट से ही अमीर हुए हैं, राइट? तो रिस्क है वहां पे भी, लेकिन किसके लिए? जिनको नॉलेज नहीं है। जिनको नॉलेज है उनके लिए बेस्ट बिजनेस है। आज वॉरेन बफेट को देख ले, उनकी एक भी खुद की कंपनी नहीं लगाई हुई नहीं है, लेकिन आज दुनिया में ऑलमोस्ट जितनी भी बड़ी कंपनियां, जितनी भी अच्छी कंपनी बोल सकते हैं, सबके वो मालिक हैं, सब में उनकी शेयर होल्डिंग। आज उनसे लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं, उनको उनके मैनेजमेंट में पढ़ाई जाती है, उनके पीए में उनकी बुक्स को पढ़ाई जाती है, एमबीए में उनकी बुक्स को पढ़ाई जाती है। क्यों? उन्होंने उसने उस बंदे ने वो कारनामे कर दिखा है कि मेरा कुछ भी नहीं और मैं इन्वेस्ट करके इतना बड़ा इंसान बन गया, मेरी खुद की कोई कंपनी नहीं और मैं आज सब कंपनियों में ओनर हूं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे गूगल हो, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, सब कंपनियों के वो ओनर, राइट? तो दुनिया में लोग ऐसे ही अमीर हो रहे हैं। ये अमीर लोगों की जो सोच है वो डिफरेंट होती है, वो फिजिकल पे नहीं काम करते, वो लोग हार्ड वर्क में बिलीव नहीं करते, वो लोग स्मार्ट वर्क में बिलीव करते। और इसकी शुरुआत हमें करनी चाहिए। सिर्फ अगर हम हार्ड बिजनेस को ही, फिजिकल बिजनेस को ही अगर बिजनेस समझ रहे हैं फ्रेंड्स, तो आज भी हम यूं समझ लें कि 50 साल बैक है, पीछे। हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और उसके लिए हमें नॉलेज चाहिए होगी, राइट? बहुत ऐसे लोग हैं क्रिप्टो करेंसी को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी समझते हैं और आ जाते हैं, चकाचौंध देख करके, खूबसूरती देख करके, लोगों को देख करके आ जाते हैं, लेकिन बिना एजुकेशन लिए हुए किसी के भी कहने पे कहीं पे भी इन्वेस्ट कर देते हैं और उनका लॉस हो जाता है, और बाद में ये बोलते हैं कि इंडस्ट्री ही खराब है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इंडस्ट्री बहुत बेटर है। खराबी आपके नजरिए में है, खराबी आपके नॉलेज में है। तो सबसे पहले किसी भी फील्ड में अगर आते हैं, अगर आप कोई बिजनेस जब जहां पे आपकी सोच होती है 1 लाख रुपए कमाने की और 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं, वहां के लिए भी आप कितना रिसर्च करते हैं, कितनी आप आइडियाज लेते हैं, लोगों से बात करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, हाउ टू सेटअप, सीए से बात करते हैं, वकील से बात करते हैं, हर तरह के लोगों से, लोग उससे जो रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड, उनसे बात करते हैं, वो कहाँ से सामान खरीदी जा सकती है, कहाँ पे बेची जा सकती है, कौन से हमारे कस्टमर्स हैं,
अपने कस्टमर को जानने की कोशिश करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं पूरी मार्केट को, सर्वे करते हैं, टाइम देते हैं एक एक चीज पे। आप इतना करने वर्कआउट करने के बाद में आप एक बिजनेस सेटअप करते हैं, राइट। लेकिन जब आपको एक स्मार्ट का वर्क करने का मौका मिलता है तो आप उसको यूं इतना इजी ले लेते हैं कि दूसरे को देखा और कर दिया। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए भी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, इसके लिए भी सर्वे करनी पड़ेगी, इसके लिए भी एक्सपर्ट से मिलने पड़ेगी, इसके लिए भी इसके जो जानकार लोग हैं उनसे बातें करनी पड़ेगी, वो चीजें पढ़नी पड़ेगी। इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें हैं, एक नहीं दो नहीं चार उससे रिलेटेड चीजें पढ़े ताकि आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर एक ही धारे में अगर एक ही तरफ बहते चलेगा फिर पता नहीं चलेगा। तो आपको अलग अलग चीजों से अलग अलग किताबों से नॉलेज लेनी होगी, फिर इस इंडस्ट्री में आए, फिर देखें कामयाबी आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देगी, आप खुद ब खुद अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, ये जो मैं बातें कह रहा हूँ, ये बातें अगर मैं आज से 10-11 महीने पहले अगर बोलता तो शायद इस पे लोगों को बिलीव होती नहीं होती, लगता कि बस यही बातें करी जाती है, लोगों को बस मोटिवेट कर दी जाती है। बट मैं मोटिवेशन में फ्रेंड्स बिलीव नहीं करता, मैं प्रैक्टिकल और लॉजिक्स और डेटा के ऊपर बिलीव करता हूँ। तो आज इस ओजोन में हमारे पास वो डेटा मौजूद है, राइट, जो प्रैक्टिकली सामने है, लोगों के नजरों के सामने है। आज हजारों लोग आपको अपना वॉलेट दिखा देंगे, हजारों लोग आपको अपना एक्सचेंज का एड्रेस दिखा देंगे, एक्सचेंज में लॉग इन करके दिखा देंगे, इनकम दिखा देंगे, डॉलर दिखा देंगे, फिएट करेंसी दिखा देंगे, लोग अपनी गाड़ियां दिखा देंगे, अपने घर दिखा देंगे, बंगले दिखा देंगे। वो चीज आज ओजोन से पॉसिबल हो पाया है, राइट। तो अब हमें ओजोन के लिए अब किसी भी प्रकार की हमें अब एग्जाम देने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, कोई टेस्ट नहीं, जितने टेस्ट होने थे सारी की सारी हो चुकी है। अब बस काम करने की है कि हम कितना आगे अचीव कर सकते हैं। जो हमारे जो सीनियर्स ने किया, उन्होंने टेस्टिंग दिया, वो ना अग्नि परीक्षा दी है, बहुत सारी परीक्षाएं हम लोगों ने दिए हैं। जब हमारी क्वाइंस, जब लाइसेंस नहीं थी किसी क्वाइन गीको पे भी नहीं, ना क्वाइन मार्केट कैप पे भी नहीं थी, किसी पे नहीं थी। आज हम क्वाइन मार्केट कैप पे भी है, क्वाइन गीको पे भी है, और दुनिया के सबसे बड़ी ऑडिट एजेंसी सर्टिक पे भी है। और सर्टिक में सिर्फ केवाईसी ही नहीं फ्रेंड्स, सॉरी सिर्फ ऑडिटिंग ही नहीं, हमने केवाईसी भी डन करके दिया जो आज तक किसी ने करके नहीं दिया। इसके अलावा हमारी दुनिया के टॉप 10 एक्सचेंजेस पे हम लिस्टेड हैं आज के डेट में। तो आज अब हमें किसी प्रकार की परीक्षा टेस्ट देने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हम लोग यहाँ से डिस्टिंक्शन रेट पे जा चुके हैं, डिस्टिंक्शन मार्क्स हम लोग ऑप्टेन कर चुके हैं पब्लिक से। अब हमें किसी डेवलपर से, किसी अलग ऑर्गेनाइजेशन से, किसी रिव्यू साइट से कुछ भी सर्टिफिकेट लेने की अब हमें जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट हमारे लिए पब्लिक सबसे बड़ी सर्टिफिकेशन है। और आज 25,000 लोगों की जो कम्युनिटी है, उन लोगों ने हमें सर्टिफिकेट दे दिया कि ओजोन इज द बेस्ट, राइट। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वंस अगेन टू यू कि आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि इस सिस्टम के बारे में आपको बहुत ही कम टाइम में चीजें को आपके सामने डिस्क्राइब कर सकूं। तो को-होस्ट मुझे प्लीज बताएं, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे मेटा ओजोन की। ये एक माइनिंग प्लेटफॉर्म है, ब्लॉकचेन के ऊपर माइनिंग करनी। एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी में आपको दो तरीके होते हैं अर्निंग करने के लिए। पहला और सिंपल तरीका होता है कि आप कॉइन को खरीदें और जब कॉइन की प्राइस बढ़े तो उसे बेच दें और अपना प्रॉफिट गेन कर ले, राइट। अब ट्रेडिंग इसे हम लोग बोलते हैं, और इसमें कई तरह के ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट होते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, स्पॉट ट्रेडिंग, बहुत ऐसे ट्रेडिंग होते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा मार्केट है ग्लोबली जो काम कर रहा है।
अगर हम लोग शेयर मार्केट से कंपैरिजन करते हैं फ्रेंड, तो वहां पे एक टाइमिंग होती है, 9:30 में खुलती है और 3:30 में बंद हो जाती है। एक टाइमिंग होती है, संडे सैटरडे ऑफ होता है, और वो लोकल मार्केट में होती है, यानी कि इंडिया की अलग होगी, अमेरिका की अलग होगी, लंदन की अलग होगी, यूएई की अलग होगी, हर कंट्री के अपने अपने एक्सचेंजेस होते हैं। इंडिया में ही बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अलग है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अलग है, तो एक लोकल पैमाने पे होती है और टाइम लिमिटेड होती है कि इतने बजे से इतने बजे तक होगी। बट अब वहीं अगर हम लोग क्रिप्टो करेंसी की बात करें ट्रेडिंग की, तो वो 24 आवर्स होती है, यहाँ कभी भी टाइमिंग नहीं होती है, संडे सैटरडे ऑफ नहीं होती है, 24 घंटे ये चलती रहती है। इसलिए यहाँ पे इनकम करने के तरीके ज्यादा हैं, इनकम करने में पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पे मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल होती है, मार्केट वॉल्यूम यहाँ बहुत ज्यादा होती है। दूसरी चीज के ये ग्लोबल मार्केट में होती है, ऐसा नहीं कि अमेरिका के लिए अलग कॉइन का प्राइस हो, उसकी अलग ट्रेडिंग हो रही हो, लंदन के लिए अलग हो रही हो, इंडिया के लिए अलग हो रही हो और यूएई के लिए अलग हो रही हो, नहीं, हर पूरी कंट्री में यानी ग्लोबली एक ही ट्रेडिंग प्राइस होती है, एक ही ट्रेडिंग सिस्टम होती है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ट्रेडिंग है हर सेकेंड होती रहती है। इसलिए यहाँ संभावनाएं ज्यादा है रेदर देन शेयर मार्केट, राइट। तो ये हमारा सिंपल तरीका है कि लोग यहां से भी कॉइन को ट्रेड करके इनकम अच्छा करते हैं, लेकिन इसके लिए भी नॉलेज होना जरूरी है, राइट। दूसरा तरीका है फ्रेंड्स कि हम माइनिंग कर सकते हैं कॉइन को। कॉइन के माइनिंग का मतलब कॉइन को बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना, यानी जो कॉइन आप खरीदते हैं उस कॉइन को कोई ना कोई बनाता भी है, राइट। अब बनाने की प्रक्रिया अलग अलग है। जब पहली करेंसी बिटकॉइन स्टार्ट हुई थी, वो प्रूफ ऑफ वर्क की ब्लॉकचेन पर थी, आज भी है प्रूफ ऑफ वर्क। अब प्रूफ ऑफ वर्क ब्लॉकचेन की जो माइनिंग के जो क्राइटेरिया है वो बहुत वास्ट है, वहां पे बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए और बड़ी मशीनों के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, एटमोसफेयर उस तरह का चाहिए, ठंडे प्रदेशों की जरूरत होती है, क्योंकि मशीनें अगर चलती हैं तो गर्म हो जाती है, गर्म होकर के बंद हो जाती है, और बंद हो जाएगी तो आपकी माइनिंग नहीं आएगी, तो फिर आपके लिए लॉस है। इसलिए ये ज्यादातर ठंडे प्रदेशों लाइक रशियन कंट्री, यूरोपियन कंट्री वगैरह में ज्यादातर मशीनें लगी रहती हैं, राइट। दूसरी फिर उसके थोड़ी सी एडवांस में आई, आज के डेट में प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन आ गई। अब यहाँ पे बड़ी मशीनों की जरूरत नहीं है, छोटी मशीनों से ही काम हो जाता है, लैपटॉप हो यानी छोटे सर्वर से काम हो जाएगा, कंप्यूटर से काम हो जाते हैं, तो वहां पे स्टेकिंग पावर की डिपेंडेंसी हो जाती है कि जिसकी ज्यादा क्वांटिटी में स्टेकिंग होगी वो ज्यादा माइनिंग कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी स्टेकिंग की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत हाई होती है, यानी जिसके पास करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ रुपए हैं वही लोग माइनिंग कर पाएंगे, चाहे वो इथेरियम की हो, चाहे वो ट्रोन की हो, पॉलीगॉन की हो, मैटिक, व्हाटएवर, जो भी प्रूफ ऑफ स्टेक की ब्लॉकचेन है, यहाँ आप करोड़ से ऊपर में जाएंगे तभी आप वैलिडेटर बनेंगे और माइनिंग कर पाएंगे, तो ये सिस्टम वहां पे काम करता है। तो लेकिन जो माइनर है फ्रेंड्स, उनको लॉस नहीं होता। ट्रेडर को क्या है, खरीदना है और बेचना है तो लॉस होना है, अगर खरीदे कम में बेचे ज्यादा में तो प्रॉफिट, और खरीद लिया ज्यादा में रेट गिर गई तो कम में बेचेंगे तो लॉस। लेकिन जो माइनर है इनको लॉस नहीं है, इनको खरीद कर नहीं बेचना है, इनको बना कर बेचना है, तो ये जितने भी कॉइन डेली जनरेट करेंगे उसको बेचेंगे, तो उसको बेचने से उनको चाहे 2 रुपये में बिके या 10 रुपये में बिके, उनको प्रॉफिट होना हर हाल में। इसलिए पूरी दुनिया चाहती तो है कि मैं माइनिंग करूं, लेकिन वो कर नहीं पाती है क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट वहां पे जरूरत पड़ती है। पहली जो रिस्ट्रिक्शन आती है कि इन्वेस्टमेंट की, और दूसरी रिस्ट्रिक्शन की नॉलेज की। अब बहुत सारे लोगों के पास पैसे तो है लेकिन जानते नहीं है हाउ टू माइन, तो ये भी चीज है। तो नॉलेज अगर रहेगा तभी आप यहाँ से आप माइनिंग कर पाएंगे। तो अभी तक जितने भी सिस्टम थी उसमें माइनिंग करने के लिए आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट और डेवलपर वाली नॉलेज चाहिए, या डेवलपर हायर करने पड़ेंगे तभी आप माइनिंग कर पाएंगे। इसलिए दुनिया में 99.9% से ज्यादा लोग केवल ट्रेडर हैं, और 0.1% से भी कम लोग हैं जो माइनर हैं। लेकिन जो 0.1% वाले लोग हैं ये भारी पड़ते हैं ये 99% वाले लोग, क्योंकि ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करते जाते हैं, बनाते जाते हैं, ये ज्यादा प्रॉफिट करते हैं, और ये लोग जो कि कॉइन खरीद करके बेच रहे हैं इनको लॉस हो जाता है। यानी ये बंदे जो 0.1% वाले लोग हैं ये मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं।
तो जो माइनर्स हैं वो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके माइनर्स के अलावा वेल्स होते हैं, माइनर्स भी एक वेल्स कैटेगरी में आती है। फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, जो अरबपति खरबपति लोग हैं, वो लोग जब एंट्री करते हैं, कोई कंपनी एंट्री करती है किसी क्वाइंस में, वो पहले कम रेट में जब क्वाइन की प्राइस कम होती है तो खरीद करके बहुत ज्यादा क्वांटिटी अपने पास रख लेती हैं, और जब क्वाइन की प्राइस बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, फिर वो बेच करके ज्यादा मुनाफा करती हैं, तो बाद में आने वाले लोगों का लॉस हो जाता है। एक और लॉस का कारण बन रहा है, आज के डेट में बहुत सारी छोटी छोटी कॉन्सेप्ट वाली कंपनियां आ रही हैं, जिनके पास पहले से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कॉइन बना करके रख लिए जाते हैं। ओनर अपने पास उसकी 90-99% होल्डिंग खुद अपने पास रख लेते हैं, और थोड़ी सी होल्डिंग, थोड़ी सी सप्लाई मार्केट में पहले देते हैं, फिर पब्लिक को बताते हैं कि इसको खरीद लो। जब प्राइस बढ़ती है फिर वो थोड़ी सी सप्लाई देते हैं, फिर प्राइस बढ़ती है फिर थोड़ी सी सप्लाई देते हैं। इस तरह से ये सारा का सारा बेनिफिट खुद कर लेते हैं, और अंततः पब्लिक का लॉस हो जाता है। यानी जब प्राइस बढ़ जाती है तो इनके पास इतनी क्वांटिटी में क्वाइंस होते हैं कि कभी भी मार्केट को ये डंप कर देते हैं। तो ये तीन कैटेगरीज के वेल्स हैं फ्रेंड्स, जिसकी वजह से मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं है, लोग नुकसान में है, क्रिप्टो पे लोगों को बिलीव जो लेवल की होनी चाहिए वो नहीं हो रही। बट अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ओजोन हमारे लिए एक ऐसा सिस्टम लाया जहां पे स्टेबिलिटी दे दिया, यानी हमारी कॉइन की प्राइस उस तरह से पंप एंड डंप इनऑर्गेनिक तरीके से नहीं होगी। यानी कोई कंपनी चाहे, कोई बंदा चाहे कि मैं इसके कॉइन प्राइस को बढ़ा दूं और प्राइस को गिरा दूं, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिसको कंट्रोल है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो तीनों कैटेगरी जो मैंने बताया, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हो या माइनर हो या कंपनी खुद हो, ये जो तीन तरह की अभी तक मार्केट को कंट्रोल करने वाले लोग हैं, इनको यहाँ से बाहर कर दिया गया, इनकी सिस्टम को बिल्कुल फ्लॉप कर दिया गया कि आपकी एंट्री होने ही नहीं दूंगा, और ये चीजें ओजोन में पॉसिबल हुआ। कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। तो समझते हैं मेटा ओजोन के बारे में। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई एप्लीकेशन है जो आपको हेल्प करती है ब्लॉकचेन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने में। अभी तक जो जितने भी डेवलपर्स हैं, अगर ईवीएम बेस्ड की बात करी जाए, जो भी इथेरियम बेस्ड वर्चुअल मशीन है जिस पे ब्लॉकचेन चल रही है इथेरियम की, और उससे रिलेटेड जो भी ब्लॉकचेन आज के डेट में आ रही है उनके रिसर्च के ऊपर, उनके कोडिंग्स के ऊपर, और कोई जो भी आ रही है, तो उसमें जो ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं, तो एक सॉफ्टवेयर है जो रिमिक्स, जो इथेरियम वालों ने दिया है रिमिक्स करके, उसके थ्रू लोग कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करते हैं। लेकिन ओजोन ने क्या, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी ने हमें मेटा ओजोन के नाम से एक एप्लीकेशन बना दिया, बिल्कुल डिफरेंट, बहुत इजी, जिसके लिए आपको डेवलपिंग का नॉलेज नहीं है फिर भी कर लेंगे। रिमिक्स यूज करने के लिए आपको डेवलपर का नॉलेज होना आपके लिए बेहद जरूरी है, तभी आप कॉन्ट्रैक्ट बना पाएंगे अपना खुद का, अदरवाइज आप खुद का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाएंगे। लेकिन यहाँ पे सिस्टम क्या दिया कि उसने रिप्लेस कर दिया रिमिक्स को, एक ऐसा यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन दे दिया जिसके थ्रू आम इंसान भी अपना कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकता है ब्लॉकचेन के ऊपर, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेगा, बना लेगा, और उसकी की किसी को नहीं देगा, अपने पास रहेगा, और उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी क्वाइन डालेगा उस क्वाइन की उसके पास होगी। तो दुनिया का कोई इंसान चाहे, इवन ये कंपनी के जो फाउंडर्स हैं वो भी चाहे, तो आपके की के बगैर क्वाइन नहीं निकाल सकते हैं। और जो बातें मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिट एजेंसी जो सर्टिक है, उसने भी इसके ऊपर ठप्पा लगा करके मोहर मार कर दिया है कि ये जो बातें मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य है। आप सर्टिक की वेबसाइट पर जाएंगे, ozonechain.com खोलेंगे, और हमारी जो PDF है उसको पढ़ लेंगे, आपको खुद दूध का दूध पानी का पानी दिख जाएगा। तो जो भी बातें यहाँ पे हो रही है फ्रेंड्स, ऑन रिकॉर्ड हो रही है, यूट्यूब पे लाइव रहती है, कभी भी आप, कभी भी मेरा पुराने वीडियोस भी निकाल करके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये समझते हैं इसके बारे में। किसी भी क्रिप्टो करेंसी में माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो दो बातों का ख्याल बेहद जरूरी होता है, जैसा कि एक्सपर्ट बताते हैं। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल एनालिसिस एंड सेकंड वन इज टेक्निकल एनालिसिस। अगर ये दोनों एनालिसिस आपको आती है तो आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता।
तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग उतने टेक्निकल तो यहाँ बात करेंगे नहीं, उतनी फंडामेंटल, बस चूंकि हमारा ये मार्केटिंग प्रेजेंटेशन है, टेक्निकल प्रेजेंटेशन नहीं है, तो थोड़ी बहुत चार चीजें मैं चाहता हूँ जो कि नए लोग हैं उनको भी थोड़ी सी कॉन्सेप्ट हो जाए, कम से कम उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चन अराइज हो जाए। जब उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चन अराइज हो जाएंगे तो फिर वो सवाल करेंगे, और जब वो सवाल करेंगे तब उनको बाकी चीजें बताई जाएंगी। तो बस क्वेश्चन अराइज करने के लिए कुछ कुछ चीजें आपको बता दी जाती है, ताकि जब आप किसी दोबारा से जब हमारी मीटिंग में आए, अपने सीनियर से बात करें, तो आप इन सवालों को पूछेंगे, तो आपको उससे नॉलेज जो मिलेगी जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगी, और आप यहाँ से बेनिफिट ले पाएंगे। राइट, तो समझते हैं हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। फ्रेंड्स, हमारी कंपनी ने इस सिस्टम के लिए 20 प्रोजेक्ट बनाया, यानी हमारी जो इको सिस्टम है इसमें 20 प्रोजेक्ट है, और हर प्रोजेक्ट अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। राइट, ये सब Web3 एप्लीकेशन हैं, जो दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो ब्लॉकचेन पर काम करती है। पहले क्या था, Web1, फिर Web2, अभी Web3। अब पूरी दुनिया Web3 के पास आ रही है, क्यों? इसमें हैकिंग नहीं हो सकती, इसमें सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, पब्लिक की जो पर्सनल फाइल्स हैं वो सार्वजनिक नहीं हो सकती, पब्लिक के डेटा छेड़छाड़ नहीं हो सकती, उनके बैंक अकाउंट हैक नहीं हो सकते, जस्ट लाइक। इसलिए Web3 एप्लीकेशन बनाना शुरू हैं, और हमारे सिस्टम में एक नहीं 20 प्रोजेक्ट दिए हैं, और सब के सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इनके बारे में मोर अबाउट जानने के लिए हमारे टेक्निकल सेशंस को अटेंड कर ले, यूट्यूब पे लाइव है। इसके अलावा आप ozonechain.com पे जाएं, www.ozonechain.com, वहां पर जाकर के वहां से आप इसके बारे में और अच्छे तरीके से नॉलेज ले सकते हैं। राइट, फिलहाल बता दो, मेटा ओजोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई रोबोट है, जिसके थ्रू आप कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लेते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, और जब आपका कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है फिर आप उसमें स्टेक लगाते हैं, इसमें हेल्प करती है, फिर आपको माइनिंग आपके क्रिएटर एड्रेस पर आनी शुरू हो जाती है। ओजोन चेन, ये इनकी ब्लॉकचेन है, हमारी जो ब्लॉकचेन है उसका नाम है ओजोन चेन, और ये वर्ल्ड की लेटेस्ट ब्लॉकचेन है। इसमें इसकी स्पीड्स, इसके जो फीचर्स है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है फ्रेंड्स, और इसके ऊपर आप NFT बना सकते हैं, फंजिबल टोकन, नॉन फंजिबल टोकन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, Web3 एप्लीकेशंस, आप मेटावर्स के प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें जो भी आप सुनते आ रहे हैं वो सारी चीजें आप हमारे इस ओजोन के ब्लॉकचेन पर बना सकते हैं। राइट, ऑलरेडी लोगों ने बनाया भी होगा। ओजोन एक्स, लाइक वॉलेट, NFT वॉलेट, ओजो पे, सब के सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, इनके बारे में किसी और दिन हम लोग चर्चा कर लेंगे। आइए समझते हैं आगे, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज शेयर्ड बाय मेटा ओजोन ब्रिंग टू द इंडस्ट्री, क्या वैसी चीजें हैं जो हमें मेटा ओजोन दे रही है। ब्लॉकचेन अवेयरनेस फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी जो सिस्टम है वो टेक्नोलॉजी पे है, और टेक्निकल नॉलेज देना चाहती है, क्योंकि जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा आपको सब चीज एक जैसा ही लगेगा, क्योंकि ऊपर से देखने में सब बराबर ही लगते हैं, सब पिटर ही, बहुत अच्छे फीचर्स, खूबसूरत दिखाई देते हैं, लेकिन हर वो खूबसूरत चीज फायदेमंद होगी ये कहा नहीं जा सकता। राइट, इसलिए आपको ये जानना बेहद जरूरी होगा कि ब्लॉकचेन की एक्चुअल मतलब क्या है, ब्लॉकचेन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। राइट, बहुत सारी रिव्यू साइट्स हैं फ्रेंड्स, वहां रैंकिंग दी जाती है, वहां पैसों से रैंकिंग दे दी जाती है, पूरी दुनिया में हर एक चीज में आज के डेट में क्या है, पैसे दे दो रैंकिंग, और पैसे दे दो वॉल्यूम, पैसे दे दो तो आप फॉलोअर्स बढ़ा लो, सारी चीजें पैसों से चल रही है आज के डेट में, कमेंट्स, लाइक्स, हर चीज में आज आपके पास पैसे हैं, पैसे देकर करवा लें। राइट, लेकिन बिलीव कब होगा, क्योंकि पैसे से तो कोई भी कुछ भी करा कर दे दे रहा है, ये बेस्ट है, एडवर्टीजमेंट आ जा रही है, न्यूज में छप जा रही है, कुछ भी हो जा रही है, लेकिन आपको खुद आना चाहिए इन सब चीजों को जानने, आपको खुद से आने चाहिए, और जब आप खुद जानेंगे तो आपको कोई पैसा नहीं खिला सकता है। इसलिए ब्लॉकचेन अवेयरनेस पे यहाँ पे ध्यान दिया गया है। वो अच्छी बात है कि हम कॉइन गीको पे भी हैं, कॉइन मार्केट के भी हैं, वो वैल्यूएबल, हम उसको बहुत ऑथेंटिक नहीं मानते कि जो कॉइन कॉइन मार्केट कैप पे है वो बहुत बेटर बेटर हो, बेहतर ही होगी, बहुत अच्छी होगी, ऐसा उसको हम कॉइन मार्केट कैप के वॉल्यूम को देख करके हम उसको अंदाजा नहीं लगा, मेरी नजर में, आपकी राय कुछ भी हो सकती है, मेरी पर्सनल राय यही है कि सिर्फ कॉइन मार्केट के, क्योंकि कॉइन मार्केट में बहुत ऐसी कॉइन्स आपको आए जो बहुत अच्छा रिटर्न शुरू में दिया बाद में खत्म हो गए, बहुत अच्छा पंप दिया बाद में खत्म हो गया, आज उसका नामो निशान मिट चुका है।
राइट, तो क्वाइन मार्केट कैप और क्वाइन गीको, इसको अगर कोई समझ ले कि मापदंड है, ये हमारा पैरामीटर है माय डियर फ्रेंड्स, तो आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि बहुत ट्रस्ट वर्दी नहीं है। राइट, तो इसलिए हमें खुद से नॉलेज अगर आ जाए ना कि हम ब्लॉकचेन पर जा करके खुद चेक करें कि हमारी जो क्वाइन है वो उसकी इनिशियल सप्लाई क्या है, वो चेक हो जाए, हम जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो कैसा हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं क्वाइन पहले से बना हुआ है कंपनी उसको ट्रांसफर कर रही हो, ये हमें चेक करने आ जाए कि माइनिंग कैसे दिखती है, माइनिंग अगर हो रही है तो कहाँ दिखती है, हमारी जो मैकेनिज्म है उसको हम देख लें, फर्स्ट ट्रांजेक्शंस देख लें, हमारी कॉन्ट्रैक्ट को देख लें, हम कॉन्ट्रैक्ट के ओनर है उसको देख लें, हम खुद से अगर ये चीजें हमें नॉलेज हो जाए तो हम किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर जाके किसी भी कंपनी के बारे में खुद से रिव्यू हम लोग दे सकते हैं, यानी आप खुद उतने नॉलेजेबल बन जाए कि आप उसे रिव्यू दें, आप रिव्यू दें कि हाँ ये चीजें कितना हद तक सही है। राइट, इसलिए हमारी जो मेन सिस्टम, हमारे मेटाबॉलिज्म की जो मेन सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे फोकस करी गई है तो ब्लॉकचेन अवेयरनेस पे पहली लाइन होगी कि आप ब्लॉकचेन अवेयरनेस, फ्रेंड्स पहले हमें बता दिया जाता था ब्लॉकचेन के बारे में, बहुत ऐसी बातें बताई जाती थी जैसे हम लोगों ने सुन करके तो एकदम समझ जाते थे कि वाह क्या चीज होगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है, अजीब अजीब बातें सुनाई दी जाती थी, आज उसको हम लोग खंडन करते हैं। पहले बता देते कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ब्लू टिक हो गए, अब दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्वाइन डाला है तो कोई नहीं निकाल सकता। राइट, ये बता दिया था, लेकिन हमें बताया ही नहीं गया कि उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ओनर कौन है, ओनर के बारे में बात ही नहीं हुई। अब हमें पता चलता है कि नहीं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो ओनर है वो तो कभी भी निकाल सकता है, अगर ओनर आप है तो आप निकाल सकते हैं, मैं नहीं निकाल सकता, ओनर मैं हूं तो मैं निकाल सकता हूँ, आप नहीं निकाल सकते। तो अभी तक जितनी भी कंपनियां आई उन्होंने क्या करी कि अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया और पूरे पब्लिक को अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंड डलवा लिए और ये बोले कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, वेरीफाइड है, सेफ हो, सिक्योर है, और एक दिन पता चलता है कि सारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से सारे डॉलर गायब हो गए, सारे यूएसडीटी गायब हो गए, सारे ट्रोन गायब हो गए, सारे मैटिक गायब हो गए, जो भी क्यों गायब हो गए, वो तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था, ये बताया ही नहीं गया था कि उसका ओनर गायब भी कर सकता है। राइट, तो माय डियर फ्रेंड्स मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें नॉलेज की जरूरत है, अगर हम नॉलेज ले लेंगे फिर हमें कोई बेवकूफ नहीं बना सकते, कोई हमारे साथ ब्लफ चीट नहीं कर सकता, तो सबसे ज्यादा जरूरी है अवेयरनेस के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स अवेयरनेस, आज हमारी बहुत सारी मीटिंग्स होती है उसमें इसके बारे में आपको सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। डिसेंट्रलाइज सिस्टम, आज के डेट में लोग डिसेंट्रलाइज की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, सेंट्रलाइजेशन से क्यों लोग ऊब गए हुए हैं, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन ने हमारे साथ बहुत चीट किया है, सेंट्रलाइजेशन ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया हुआ है, क्योंकि कंट्रोल एक इंसान के हाथ में कुछ भी कर दे, इसलिए लोग डिसेंट्रलाइज की तरफ बढ़ रहे हैं, दुनिया डिसेंट्रलाइज होती जा रही है। अच्छा है अब एनएफटी मार्केट प्लेस आ रही है फ्रेंड्स, सोशल मीडिया वेब थ्री पे आने शुरू हो जाएंगे। राइट, जैसे हमारी सोशल मीडिया के यहाँ पे एक ओपन स्टाइल है जो वेब थ्री के आएंगे, जहाँ पे कोई किसी का कोई डेटा छेड़छाड़ नहीं करेगा, सारी चीजें सारी इंफॉर्मेशन आपके कब्जे में होगी, आप चाहेंगे तो लोगों को पब्लिश करेंगे, आप चाहेंगे तो नहीं पब्लिश करेंगे, जितना चाहेंगे उतना ही पब्लिश करेंगे, तो ये सारी चीजें अब लोग डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट एंड एम्पावरमेंट जो आज के डेट में सबसे बड़ी बर्निंग इश्यूज थी, उस पर हमारी ओजोन ने काम करना शुरू किया है और अराउंड 25,000 लोग इस सिस्टम से इनकम जनरेट कर रहे हैं और हर 2 महीने पे ये फिगर डबल हो जाती है। ठीक है, ओजोन चेन की टोकोनॉमिक समझते हैं फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस जिसे हम बोलते हैं उसकी फंडामेंटल्स जो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो उसकी टोकोनॉमिक्स ही होती है, यानी इस क्वाइन की सप्लाई कितनी है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। तो इनिशियल सप्लाई है फ्रेंड्स इसकी 50,000 और मैक्सिमम सप्लाई है 1 करोड़। अब इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सप्लाई फ्रेंड्स, सप्लाई का मतलब ये हो गया कि जो क्वाइंस हमारे पास आ चुके हैं। राइट, और मैक्सिमम सप्लाई का मतलब ये होगा जितना क्वांटिटी आने वाली है, यानी मैक्सिमम इतनी आ जाएंगी, इससे ज्यादा क्वाइन नहीं बनेंगे। जैसे बिटकॉइन को देख लें, बिटकॉइन की सप्लाई आज के डेट में 1 करोड़ 93 लाख के आसपास है और उसकी मैक्सिमम सप्लाई क्या है, 2 करोड़ 10 लाख,
1,93,00,000 ऑलरेडी बन चुके हैं, बाकी के बन रहे हैं, रोज माइनिंग होते हैं और बन करके आ जाते हैं, पहले से बने हुए नहीं है, सिर्फ कोडिंग है कि इतनी बनेंगे, उससे ज्यादा नहीं बनेगी, और जो जितना चाहता है वही माइनिंग करता है, उसी के पास जाती है। तो उसी तरह हमारी जो सप्लाई है मैक्सिमम वो 1 करोड़ है, 1 करोड़ बनने के बाद माइनिंग की माइनिंग मतलब बंद हो जाएंगे, फिर ये बर्निंग शुरू होगी, यानी क्वाइन बर्न होना शुरू कर, जब ट्रांजेक्शन करेंगे तो क्वाइन बर्न होना शुरू होगा, और 50% क्वाइन बर्न हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 50 लाख क्वाइन रहेंगे, और उसी से आपको लेन देन करना होगा। ये भी हमारे रोड मैप्स में जितने भी प्रोजेक्ट दिखाए गए हैं वो सबको यूज करने के लिए आपको इसी क्वाइन की जरूरत पड़ेगी। यही वजह है कि इस क्वाइन के प्राइस आने वाले दिनों में हजारों गुना नहीं लाखों गुना बढ़ने वाला। ठीक है, जब इतनी जबरदस्त सिस्टम, इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी, इतनी जबरदस्त टोकोनॉमिक्स, फ्रेंड्स हम टेक्निकली स्ट्रांग तो है ही, हम मार्केटिंग वाइज डिस्ट्रीब्यूशन वाइज भी स्ट्रांग है। कैसे, इस चार्ट को हम लोग देख के समझेंगे। इसके डिस्ट्रीब्यूशन को 70% डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया है पब्लिक के लिए, यानी 70% पब्लिक माइनिंग करेगी। लिक्विडिटी के लिए 10% अलग अलग एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं, जैसे हम एल बैंक पे, बिटमार्ट पे हम लिस्टेड है, तो वहां के लिए हमें क्या चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, तो लिक्विडिटी के लिए यहाँ पे माइनिंग जरूरी है। रिसर्च के लिए 3%, सर्वर के लिए 2%, मार्केटिंग के लिए 5% और टीम के लिए 10%। इसमें से भी कंपनी ने 5% टीम का जो हिस्सा था ना वो भी पब्लिक को दे दिया। अब 95% हिस्सा पब्लिक के हाथों में है और कंपनी के हाथों में सिर्फ 5% रखा गया। दुनिया के पहले ऐसे टोकोनॉमिक्स, आप फ्रेंड्स एक भी टोकोनॉमिक नहीं बता पाएंगे, चाहे वो कितनी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, कितनी पुरानी कॉइन्स क्यों ना हो, ये टोकोनॉमिक्स आपको नहीं मिलेगा कि जहां 5% कंट्रोल क्रिएटर के हाथ में है और 95% कंट्रोल पब्लिक के हाथ में, कहीं नहीं, राइट। तो ये वजह है कि आज ओजोन पे लोगों का भरोसा दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे लोग इसको जान रहे हैं, जैसे लोगों को कानों तक पहुंच रही है, जैसे जैसे लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली लोग इसके तरफ माइल होते चले जा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एक्टिवेशन एंड अपग्रेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो पार्ट शुरू होने वाला है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मे आई हैव योर अटेंशन वंस अगेन प्लीज। ब्लॉकचेन तो हमारी डिसेंट्रलाइज है, राइट। पब्लिक ब्लॉकचेन का मतलब ही होता है डिसेंट्रलाइज, अगर आपकी ब्लॉकचेन पब्लिक है तो आप डिसेंट्रलाइज हैं। अब ब्लॉकचेन के ऊपर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाने, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए या तो आपको डेवलपर हायर करने पड़ेंगे या खुद ही प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, तो ये दोनों मुश्किल है एक आम इंसान के लिए, दोनों मुश्किल है। या तो प्रोग्रामिंग हर कोई सीख नहीं पाएगा और हर कोई डेवलपर को पैसे नहीं देगा, लाखों लाख 2 लाख रुपए डेवलपर को देने नहीं जाएंगे हर कोई, तो आम इंसान करेगा कैसे। इसलिए एप्लीकेशन बनाया गया ओमेगा। ये ओमेगा रोबोट क्या करेगी, आपको हेल्प करेगी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए, और बहुत इजी है। आपको मेटा मास्क हो या टोकन पॉकेट हो, कोई भी एक एप्लीकेशन जो डिसेंट्रलाइज है, जो ब्लॉकचेन पर रन करती है, उसको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर ले, पीसी में, लैपटॉप में, कहीं पर भी, और इसके थ्रू हमारे ब्लॉकचेन से जुड़ जाए। ब्लॉकचेन से जुड़ने के लिए ब्लॉकचेन की आरपीसी चेन आईडी उसमें डालनी पड़ती है। जब आरपीसी और चेन आईडी के साथ आप कनेक्ट कर जाएंगे तो आप ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे वहां पे अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेंगे। जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेंगे तो उसमें आपको कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कोड रिटन है उस ओमेगा रोबोट के अंदर में। तो जैसे ही आप डिप्लॉय करेंगे आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तुरंत दिख जाएगी स्क्रीन के ऊपर, ये आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रहा। जब आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे फिर आप इनिशियलाइज करेंगे, जब आप इनिशियलाइज करेंगे तो किसी न किसी मास्टर नोड के साथ में आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी और आपका रजिस्ट्रेशन भी सक्सेसफुल हो जाएगा और आप लॉगिन करके देख भी पाएंगे। जब आप देख लेंगे फिर आप स्टेक करेंगे, जब आप स्टेक करेंगे तो जो क्वाइन स्टेक करेंगे उसका 70% क्वाइन आपके उस कॉन्ट्रैक्ट पे जमा होगा जिसकी की आपके पास है, जिसको आपने क्रिएट किया होगा। हर इंसान का, यहाँ 25,000 लोग हैं, तो 25,000 लोगों का अपना अपना अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, आप उनके में से नहीं, वो उनमें आप में से नहीं, कोई किसी का एक भी क्वाइन नहीं निकाल सकता, सबका क्वाइन अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट पर पड़े हुए हैं। कंपनी के फाउंडर्स भी चाहें तो नहीं निकाले, क्योंकि ये ब्लॉकचेन जो है वो पब्लिक है और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो डिसेंट्रलाइज है, तो आपके बगैर कोई आपके क्वाइन को, फंड को नहीं निकाल सकता। तो 70% आपके पास जमा हो जाता है,
30% ये फीस में चली जाती है जो आपके अपलाइन को जाता है, जो आपको रेफर करते हैं, आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपके लिए मीटिंग करते हैं, तो उन लोगों में चल डिस्ट्रीब्यूट होता है एज इट इज। फिर आप अपने नीचे जब रेफरल करते हैं तो आपको भी इनकम आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप अकेले माइनिंग करके उतना इनकम नहीं कर सकते हैं जितना कि आप टीम के साथ माइनिंग करा करके इनकम कर सकते हैं। तो ये सिस्टम आपको दिया गया। तो यहाँ पे जो आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका बन जाएगा तो उसको एक बार वेरीफाई कर लेंगे ब्लॉकचेन पर जा करके कि उस आपका बन चुका है या नहीं। बन गया है तो उसका ओनर कौन है, आप खुद ओनर हैं या नहीं, ओनर में आपका मेटामास्क का एड्रेस है या किसी और का। अगर किसी और का है तो बिल्कुल भूल जाइए, वो ऐसे सिस्टम में आपको इन्वेस्ट नहीं करना। लेकिन अगर आपका है तो फिर आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, जितना कॉइन आप स्टेक करेंगे वहां पे जमा रहेगा 70%, और 365 दिन तक ये माइनिंग मिलेगी। और 70% जब 365 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो 70% कॉइन भी रिटर्न मिल जाएंगे। तो ये हमारी कॉन्सेप्ट है, आगे हम लोग समझेंगे। 24 आवर्स लगते हैं, 24 घंटे में आपकी एक बार मैपिंग हो जाती है, फिर अगले 24 घंटे के अंदर में आपको माइनिंग आ जाती है, फिर हर रोज ये 24 आवर्स के अंदर में एक बार आपको माइनिंग मिलती शुरू हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट एक्सटेंसिव ब्लॉकचेन फीचर की बात करें, फिफ्थ जनरेशन की वेब3 सपोर्टेड है, उन्होंने अपनी खुद की नेटिव टोकन। फ्रेंड्स बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब उन्हें नेटिव टोकन कहा जाता है, चूंकि उनके लिए पहली बार है। तो फ्रेंड्स नेटिव टोकन का मतलब होता है ब्लॉकचेन की खुद की प्राइमरी टोकन, खुद की नेटिव टोकन, जिसे हम लोग क्वाइन बोलते हैं, जो गैसफी में यूज होती है। और अल्टरनेटिव टोकन बोले या सिर्फ टोकन बोले, फंजिबल टोकन बोले, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वो सिर्फ टोकन होती है, तो वो अल्टरनेटिव होती है, वो गैसफी में यूज नहीं होती है। उसको सेंड या रिसीव करने के लिए नेटिव टोकन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, जिसे हम लोग क्वाइन बोलते हैं। तो अगर आपको लगता होगा कि ब्लॉकचेन की खुद की क्वाइन को क्वाइन बोलते हैं, तो ये क्वाइन है। आपको अगर ये नॉलेज है कि ये नेटिव टोकन को ब्लॉकचेन की खुद की प्राइमरी टोकन बोलते हैं, तो ये नेटिव टोकन, तो लोग कंफ्यूज बिल्कुल ना, राइट। ट्रांजेक्शन स्पीड की 1 मिलियन की है, स्टोरेज कॉस्ट लो है, सप्लाई इसकी लिमिटेड है। आर्किटेक्चर की बात करी जाए फ्रेंड्स, तो 5 लेयर में बनी है, हार्डवेयर लेयर, डेटा लेयर, नेटवर्क लेयर, कॉन्सेंसस लेयर, एप्लीकेशन लेयर। हमारी जो ब्लॉकचेन बनी है 5 लेयर में, जिसकी वजह से ये ब्लॉकचेन इतनी स्ट्रांग होती है, राइट। यानी एक एक लेयर में सिक्योरिटी होती है। एक्टिवेशन एंड अपग्रेड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जानना बेहद जरूरी है। जब आप क्वाइन को स्टेक करने जाते हैं, उससे पहले आप क्वाइन के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं, यानी खुद का मकान बना लेते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। यानी ब्लॉकचेन जस्ट लाइक एक सरफेस है, जमीन है, आपको अपना मकान बनाना है, उसकी चाबी खुद पे अपने पास रखनी है, किसी को गलती से दे मत दीजिएगा। अगर आपने वो चाबी दे दी, वो की दे दी, तो फिर वो मकान का बंटवारा लग गया, जो क्वाइंस में रहेंगे उस सामने वाला बंदा भी लेकर निकल जाएगा। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिसेंट्रलाइज होती है ब्लॉकचेन के लिए, उसके ओनर के लिए, ये बात दिमाग लगे। अभी तक क्या था कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ओनर कोई और था, और बाकी लोगों को बता दिया जाता था कि तुम भी ओनर हो, तुम भी यूजर नहीं हो, लेकिन गलत बताया जाता था। वहां पे वो लोग यूजर थे और एक बंदा ओनर था, राइट। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिसेंट्रलाइज किसके लिए है, जो उसका ओनर है, लेकिन सेंट्रलाइज उसके लिए है जो उसके यूजर है। तो यहाँ पे हम लोग यूजर बन के नहीं आना, यहाँ पे हम लोग क्रिएटर बन के आना है, हम लोग ओनर बन के आना, राइट। तो ये जब आपका खुद का कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, फिर आप उसमें कॉइन को स्टेक करें जितना चाहे उतना, जितना कॉइन आप स्टेक करेंगे वो डिस्ट्रीब्यूट होता है इस ग्राफ में देखें, 70% डिस्ट्रीब्यूट होकर जाता है, आपके कॉन्ट्रैक्ट पे जमा हो जाएगा, 30% फीस में कट जाएगी, और जो 30% है वो दो जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है, 20% कंपनी के पास और 80% आपके अपलाइन के पास। लेकिन जो 20% कंपनी लेती है वो हमें फिर रिटर्न कर देती है रिवॉर्ड के शक्ल में, ऑफर के शक्ल में, राइट। इनकम टैक्स की बात करें फ्रेंड्स, तो 5 तरह की इनकम है। रोबोट एनर्जी यानी जो स्टेकिंग आप लगाते हैं उसमें जो फीस कटती है, उससे 3 तरह की इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है, और माइनिंग से 2 तरह की इनकम आती है, सेल्फ माइनिंग और लेवल माइनिंग। समझते हैं इसके बारे में। पहला है रोबोट एनर्जी, यानी जो आप स्टेकिंग लगाते हैं उसमें से जो 30% निकलती है उससे माइनिंग में लेवल इनकम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। तो मान लो किसी बंदे ने 100 कॉइन स्टेक लगाया, तो 100 में से 30 में कटे, यही 30 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इस तरह से लेवल वाइज,
पहले लेवल पे 20%, 30 का 20%, 100 का नहीं, 100 लगाया तो 100 का 20% नहीं, 100 में से 30 निकला, 30 का 20%, यानी 6 क्वाइन, तो 30 का 20% जाएगा पहले वाले को, पहले अपलाइन को, दूसरे को 10%, तीसरे को 5%, चौथे को 3%, पांचवे को 2%, छठे को 2%, सातवें को 2%, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, तेरहवां सबको 1%, 14वें को 2%, 15वें को 3%। इस तरह से टोटल 55% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है 30% का आपके अपलाइन में। सेम एज इट इज आपकी डाउनलाइन 15 लेवल में आती है तो उससे भी आपको लेवल वाइज इसी तरह से इनकम मिलती है। पहले लेवल में जितने भी ज्वाइनिंग लगेंगे, जो भी स्टेकिंग होगी, उसका जो 30% निकलेगा उसका 20% आपको मिल जाएगा। फिर वो दूसरे को रेफर करेंगे, वो जब स्टेकिंग करेंगे उससे आपको जो एनर्जी फी निकल के आएगी उसका 10% आपको मिलेगा। सेम एज इट इज ऐसे 15 लेवल तक आपको इनकम मिलती है, यानी 15 लेवल में 15 लोग भी होंगे, 15 लाख भी होंगे, 15 करोड़ भी होंगे, जो भी होंगे उस 15 लेवल में जितनी बार ये स्टेक करेंगे उतनी बार आपको इनकम यहाँ से मिलने वाली। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रिवॉर्ड्स एंड रॉयल्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, इसको भी जानना बेहद जरूरी है। यहाँ पे सिस्टम आपके लिए एक रॉयल्टी प्रोग्राम दे रही है, जहां आप उस लेवल पे एक बार पहुंच जाते हैं तो आपको लाइफ टाइम इनकम आ जाती है, चाहे आपके नीचे ज्वाइनिंग हो रही हो नहीं हो रही हो, आपको लाइफ टाइम रॉयल्टी मिलती मिलनी शुरू हो जाती है। और इसके लिए कोई अलग से बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, उसी सेम बिजनेस पे जिस पे आपको लेवल इनकम मिल रही है उसी बिजनेस पे अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं या टारगेट अचीव कर लेते हैं तो आपको मिल जाती है। पहले लेवल पे 5 ओजोन की बिजनेस करते हैं तो 0.5 ओजोन और आपको रिवॉर्ड मिल जाता है, यानी 5 ओजोन के बिजनेस करने पे आपको 1 ओजोन तो वैसे ही मिल गया 20% पहले लेवल से, 1 ओजोन आ गया और आधा ओजोन आपको गिफ्ट मिल गया। दूसरे लेवल पे 30 ओजोन का बिजनेस करेंगे 0.75 ओजोन मिलेगा, तीसरे पे 150 ओजोन का बिजनेस करेंगे आपको 3 ओजोन गिफ्ट मिल जाएगा, चौथे पे 600 ओजोन का बिजनेस करेंगे आपको 12 ओजोन मिल जाएगा, और चौथे लेवल पे आप 4 स्टार बन जाते हैं तो आपको 2% ETO मिलनी शुरू जाती है। 2% ETO का मतलब है एनर्जी टर्नओवर, राइट, यानी कंपनी अपने एनर्जी टर्नओवर का 2% निकालती है और सारे के सारे 4 स्टार अचीवर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जो 24 आवर्स में एक बार आते हैं। पांचवे लेवल पे 1500 ओजोन का बिजनेस करेंगे तो 15 ओजोन आपको और मिलेगा, 5 स्टार हो जाएंगे। छठे पे 3000 ओजोन का बिजनेस करेंगे तो 30 ओजोन आपको मिलेगा, आप 6 स्टार हो जाएंगे। सातवें पे 5000 ओजोन का बिजनेस करेंगे आपको 75 ओजोन मिलेगा, आप 7 स्टार हो जाएंगे, और यहाँ से 3% ETO और मिलने शुरू हो जाएगी, यानी कि आपको टोटल भी आप 5% ETO मिलनी शुरू हो जाती है लाइफ टाइम, वो आपके टीम से हो ना हो ग्लोबल टीम की इनकम से आपको जनरेट मिलती है, जनरेट होकर के मिलती है। इसमें फ्रेंड्स कंडीशंस ये है कि हर लेवल पे खुद का बिजनेस, हर लेवल पे उसी लेवल का बिजनेस होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि पहले वाले का दूसरे में काउंट हो जाएगा, दूसरे का तीसरे में काउंट हो जाएगा, जिस लेवल में है उस लेवल का काउंट होगा। पहले पे 5 है तो सिर्फ पहले पे ही 5 होना चाहिए, दूसरे में अगर 30 है तो ऐसा नहीं हो कि पहले का 5 और आएगा 25 काउंट होगा, नहीं, दूसरे में 30 होना चाहिए, ठीक है। एक और कंडीशन है कि अगर आपको दूसरा अचीव करना है तो पहला भी अचीव होना चाहिए, वरना दूसरा भी आपका अचीव नहीं होगा। आप अगर दूसरा अचीव कर चुके हैं, पहला अचीव नहीं किए हैं, तो आपका दूसरे का भी इनकम नहीं मिलेगा जब तक कि आप पहला अचीव ना कर लेते, यानी कि आगे वाले के लिए पहले पहले आपको कंप्लीट करना हो, राइट। यानी आपको अगर 10वीं परीक्षा पास करनी है तो पहले 9वीं की परीक्षा में पास करनी पड़ेगी, राइट। ये सिस्टम यहाँ पर दी गई। माइनिंग रिवॉर्ड्स फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है और मेन बात हमारी यहीं पे होती है कि हम हमें क्या इनकम मिल रही है। रेफरल प्रोग्राम, टीम प्रोग्राम, ये तो डिफरेंट चीज है। पहले पहले मुझे क्या आएगा, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मेरे इन्वेस्टमेंट पे क्या आएगा? ऐसा तो नहीं कि मैंने इन्वेस्टमेंट करी फिर 4 लोगों को ढूंढने चला तब पैसे आएंगे, तो ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे चाहे आप 5000 रुपए से ज्वाइनिंग करें या 5 करोड़ से आप ज्वाइनिंग लगाएं, राइट, आपको डे वन से आपको इनकम आनी शुरू हो जाती है, यानी 24 घंटे जैसे कंप्लीट होंगे मैपिंग हो गई फिर आपको इनकम आनी शुरू हो जाती है। कितना आती है सीखते हैं, सेल्फ माइनिंग यानी खुद के इन्वेस्टमेंट पे, खुद के स्टेक पे जो माइनिंग मिलती है उसे हम सेल्फ बोलते हैं। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया, कॉन्ट्रैक्ट पे आपने एग्जांपल में 100 क्वाइन को स्टेक किया,
तो जैसा कि हमारा नियम है कि 100 में से 70 कॉइन आपके यहाँ स्टेक हो जाएगा और इस 70 पे डेली का आपको 1% माइनिंग आएगी, समझ गया ना, यानी कि 0.7 कॉइन पर डे आपको मिलेगा 365 दिन तक। अब 0.7 कॉइन पर डे आपको आ रही है, 365 दिन तक आते रहेंगे और 365 दिन के बाद ये जो 70 कॉइन है ये भी रिटर्न हो, ठीक है। यानी मोटा मोटी यूं समझ ले कि अगर हम लोग आईएनआर में बात करें, कोई बंदा 1 लाख रुपए जमा, 1 लाख रुपए का कॉइन डाला तो 70,000 का कॉइन उसका स्टेक हो गया। अब 70,000 पे डेली का 1% कितना होता है, 700, तो 700 के बराबर आज की अगर प्राइस रहती है तो आपको 700 रुपये आते हैं 365 दिन तक। कॉइन जो है वो फ्लैक्चुएट करती है, कभी वो 700 हो जाता है, कभी 1,000 हो जाता है, कभी वो 600 हो जाता है, राइट। यानी हर कॉइन की अलग अलग परफॉर्मेंस होती है। हमारी ओजोन की ये परफॉर्मेंस रही है कि हम लगभग लगभग यही काउंट में रहे हैं, यानी कि हमारी जो प्राइस है वो 8500 के आसपास ही इर्द गिर्द घूमती रहती है, राइट, $90 के आसपास। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप 365 दिन तक खुद के लिए माइनिंग करते जाते हैं, 365 दिन तक आपको इनकम आती रहती है। 365 दिन के बाद कहानी खत्म नहीं होती, आप फिर से उसे रिस्टेक कर देंगे, फिर आगे 365 दिन के लिए आपका फिक्स हो गया, फिर वही कहानी खत्म नहीं होती, फिर 1 साल और कर दें, 1 साल कर दें। हमारी इस कॉइन को पूरी कंप्लीट होने में लगभग 5 साल लगने वाले हैं। तो 5 साल के लिए आप बिल्कुल आजाद हैं, 5 साल के लिए बिल्कुल बेफिक्र होकर के यहाँ से माइनिंग करते रहें। जब माइनिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर आप उस प्राइस को, उसकी कॉइन की प्राइस आप देखेंगे कितनी गुना तेजी से बढ़ती चली जाएगी, अंदाजा नहीं लगा सकते। लेवल इनकम फ्रेंड्स, जिस तरह से आप खुद से माइनिंग कर रहे हैं, आप अगर किसी को रेफर करते हैं, आप जिसको रेफर करते हैं वो बंदा भी खुद के लिए माइनिंग करता है, लेकिन वो बंदा खुद के लिए माइनिंग कर रहा है लेकिन प्रॉफिट आपको भी आएगा। आपने अगर 10 लोगों को सिखा दिया माइनिंग करना, अब वो 10 बंदे खुद के लिए माइनिंग कर रहे हैं तो उनको तो आ ही रही है, लेकिन उन 10 लोगों के माइनिंग के ऊपर आपको भी माइनिंग आती है, माइनिंग के ऊपर मारो माइनिंग। पहले लेवल से 15%, यानी अगर मान ले कि पहले लेवल पे 10 कॉइन माइनिंग हो रही हो तो 10 का 15% या 1.5 कॉइन आपको आएगा 365 दिन तक लगातार। उसी तरह से ये लोग फिर आगे जिन लोगों को बताएंगे, समझाएंगे, स्टेक कराएंगे, फिर उन लोगों को सेल्फ माइनिंग आएगी, लेकिन उसके ऊपर भी आपको माइनिंग आएगी, दूसरे लेवल से भी माइनिंग आती है, इसी तरह तीसरे लेवल से भी आती है, 5%, चौथे से 3%, पांचवे से 2%, छठे से 1%, सातवां आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां बारहवां इन सब से 1%, 13वें से 2%, 14वें से 3%, 15वें से 3%, इस तरह से टोटल 50% आपको माइनिंग आती है। माय डियर फ्रेंड्स, इस सिस्टम में वो पावर है कि आपकी पूरी डाउनलाइन मिलके जितना इनकम एक दिन में करती है आप अकेले वो इनकम करते हैं। यही वजह है कि आज इस सिस्टम में जो लोग 2 महीने 3 महीने से काम कर रहे हैं आज उनकी पर डे की इनकम 50,000 1 लाख रुपए है। क्यों? क्योंकि उनकी पूरी डाउनलाइन मिलके 1 लाख रुपए अगर पर डे इनकम कर रही है, पूरे के कैलकुलेशन कर लेंगे ना, 1 लाख उनके टीम में लोग, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 2,000, कोई 1,000, कोई 50, कोई 100, पूरे को मिलाकर अगर सब लोग अगर 1 लाख रुपए अर्निंग कर रहे हैं तो ये बंदा अकेले 50,000 पर डे की इनकम कर रहा है। पूरी कम्युनिटी उनकी मिला करके एक दिन में अगर 10 लाख इनकम कर रहे हैं तो ये बंदा अकेले 5 लाख रुपए इनकम कर, ये सिस्टम में पॉसिबल आया जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी टीम और रेफरल इनकम की वजह से। तो इस सिस्टम में पावर है, इतनी ज्यादा कॉइन वो पर डे जनरेट करती है, 1.5% कॉइन जनरेट होती है, 1% स्टेकर को चला जाता है और आधा परसेंट उसके अपलाइन में 15 लेवल बढ़ जाता है, राइट। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, क्योंकि वक्त काफी हो चुका है और होस्ट से मैं पूछना चाहूंगा, किसी तरह की कोई इंटरप्शन तो नहीं थी मीटिंग के दौरान? नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल सही हुआ सर। ओके, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच वंस अगेन टू हैव अ ज्वाइन हियर। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिल करके, जान करके।
सिस्टम पूरी तरह से पूरी दुनिया में चल रही है। आप बिल्कुल जबरदस्त तरीके से काम करें जितना ज्यादा से ज्यादा हो। अब आप लोग इसके ऊपर फोकस करें, मेहनत करें और खुद भी कामयाब हो और दूसरों को भी कामयाब बनाए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ चाहता हूँ कि आप लोगों से विदा लूँ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।